नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको नेनुआ खेती के बारे में बताएंगे। स्पॉन्ज गार्ड फार्मिंग की फुल जानकारी दी गई है। दोस्तों, नेनुआ खेती कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और उन्नत किस्मों के बारे में बात करेंगे। खेत को कैसे तैयार करना चाहिए, प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बांस के मंडप पर नेनुआ की उन्नत खेती किस प्रकार कर सकते हैं, इससे अच्छा खासा मुनाफा कैसे ले सकते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। यानी फुल जानकारी इस वीडियो में दी गई है। इनमें कौन कौन से फंगस आते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, इसके लिए कौन से फंगिसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करना चाहिए, और इसमें रस चूसक कीट का भी अटैक होता है जिससे पत्तियाँ छोटी पड़ जाती हैं और फल अच्छी तरीका से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके, और बांस के मंडप बनाने में कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, शिव फार्मर एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले गोबर की सड़ी खाद 1 एकड़ में कम से कम 5 ट्राली डालकर खेत की गहरी जुताई करें। उसके बाद 50 kg फास्फोरस और 30 kg पोटास और 30 kg नाइट्रोजन को खेत में बिखेर दें। उसके बाद रोटावेटर से पाटा लगाकर खेत की जुताई कर दें। अब इसके बाद बात करते हैं नेनुआ की बुआई का सही समय क्या है। तो दोस्तों, नेनुआ की बुआई ठंड के महीने छोड़कर कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप बांस के मंडप पर इसकी खेती करना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी बुआई जून जुलाई या अगस्त महीने में कर सकते हैं। अगर आप बांस के मंडप पर फरवरी मार्च महीने में इसकी खेती करते हैं तो इसकी खेती से अच्छा मुनाफा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि मई जून में अधिक गर्म हवाएं चलती हैं जिससे इसकी फसल ख़राब हो सकती है। लेकिन आप दूसरी विधि से यानी परंपरागत से इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टेम्परेचर की। दोस्तों, नेनुआ की खेती के लिए जो सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है वह 15 से 35 डिग्री तापमान में अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, पौधे से पौधों की दूरी 2 से 2.5 फीट रखें, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं मंडप बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, 1 एकड़ नेनुआ की खेती के लिए बांस के जो टुकड़े लगते हैं वह 700 से 800 टुकड़े लगभग लग जाते हैं, जिसकी लंबाई 7 फुट होनी चाहिए, और इसमें तार लगते हैं जो लगभग 1 एकड़ में 1 से 1.5 क्विंटल लग जाते हैं। और इसके बाद प्लास्टिक की रस्सी की भी ज़रूरत पड़ती है, वह 1 एकड़ के लिए 30 से 35 किलो लगभग लग जाती है। दोस्तों, प्लास्टिक की मदद से नेनुआ की लताएं को ऊपर ले जा सकते हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरीके से आप लताओं को ऊपर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो दोस्तों, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नेनुआ की किस्मों की खेती की जाती है वह बिनार कंपनी की आलोक सीड्स है। दोस्तों, इसकी बुआई सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ की जाती है। तो दोस्तों, 1 एकड़ में जो बीज लगते हैं वह 300 से 400 ग्राम बीज लग जाते हैं। अब इसके रेट की बात करें तो दोस्तों, 10 ग्राम का पैक जो आता है वह 45 से 50 रुपए के आसपास मिल जाता है। अब बात करते हैं इनमें लगने वाले रोग और कीट की। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे पहले कीट लगता है नेनुआ की फसल में। जैसे आपका प्लांट 10 से 15 दिनों का हो जाता है तो उस समय लाल कीट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, जिसे इंग्लिश में रेड पंपिंग बीटल कहते हैं। दोस्तों, इस कीट का अटैक बहुत ही अधिक होता है। तो दोस्तों, लाल कीट के उपचार के लिए आप एमिडा क्लोरोफिट 17.8% वाली एसएल फॉर्म में जो आती है, या प्रोफोनोफास का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे लाल कीट से छुटकारा आसानी से मिल जाएगा। इसके डोज की बात करें तो एमिडा क्लोरोफिट को 10 से 15 ml 15 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करेंगे तो यह कीट आसानी से ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, नेनुआ की फसल में जो सबसे ज़्यादा कीट का अटैक होता है वह है फल मक्खी का अटैक। दोस्तों, बारिश के मौसम में इस कीट का अटैक बहुत ही अधिक हो जाता है, जिससे नेनुआ का फल ख़राब हो जाता है और मार्केट में अच्छी रेट से बिक नहीं पाता है। इससे किसान भाई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो दवा लेनी है वह एमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे 10 से 15 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करते हैं तो फल मक्खी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इसके डोज की बात करें तो
इमामेक्टिन बेंजोएट को 8 से 10 ग्राम 15 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं और डेलीगेट को 7 से 8 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करेंगे तो फल मक्खी से छुटकारा मिल जाएगा और इसमें फंगस का भी अटैक होता है। दोस्तों, अगर नेनुआ की फसल में फंगस का अटैक हो जाता है, फंगस के अटैक से पूरी की पूरी फसल ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप ब्लू कापर या कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजिप का जो फंगीसाइड आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, इससे फंगस से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, इसके डोज की बात करें तो ब्लू कापर को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं और कार्बेंडाजिम मैंकोजिप को भी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।